और चार फीमेल चार छह हो गए ना हाँ ये वेल लगभग अठारह सौ डॉलर में हमारे पास दो मेल और चार फीमेल हो जाते तो चलो इतना मोर देन इनफ है इतने में तो भाई पूरा बांध खचाखच भर जाएगा भाई चलो 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 अरे तुम लोग इधर आओ यार क्या कहा जा रहे हो चलो गाड़ी में बैठो वैसे तो बैठने में टेंशन नहीं है इनका अरे इसमें बैठेगा नहीं बैठेगा पता नहीं आ जा हाँ बैठ जा अरे बैठ जाएगा चलो आ जाओ ये दो क्या फीमेल है क्या नहीं एक मेल है और एक फीमेल है कोई दिक्कत नहीं अब वो हिसाब से अपन रखेंगे फीमेल इसको भी ऊपर कर दो आजा भाई आजा इसको भी रख देते सबको रखो फटाफट भट से अरे कहा जा रहा हाँ चलो ये एक फिट हो गया एक मिनट मैंने कम लिया है एक, एक नहीं मैंने तो ठीक लिया ना चार और दो छह बट ये क्या है दो चार अच्छा ये रहा ना अरे अरे शुट, शुट, कहा जा रहा है भाई ये अलग ही भलता सिस्टम है चलो आजा भाई आजा आजा इसको भी रख देते हैं वैसे ये छे को छोड़ दूंगा ना और हफ्ते भर के लिए मैं ऐस के हो जाऊंगा ना भाई इजीली ये इतना ज्यादा बांध में भर जाएंगे ना कि क्या बोलूं बट ये फायदा है ये गाड़ी लाने का ये चीज मैं समझ गया बेसिकली क्या है चार के जगह आप छे ले जा सकते हो और ये बहुत हेल्प करता है चलो फटाफट फट फट से चलते हैं अपना बांध ज्यादा दूर है नहीं फूड एक बार देख लेते हैं उसके बाद अपन चलेंगे सीधे सीधे जो अपने पास कूलर है जो मीट बॉस के कूलर से उनको अपने को अरेंज करना है क्योंकि ट्रॉला में ले जाना है और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो हमारा पाइन एपल है उसकी भी लगभग होने वाले हजार उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो भी हजार हो जाएंगे बहुत सारे उनके भी बन चुके हैं कूलर्स तो कुछ समय और उसको भी अपन बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं पहले तो एक बार है ना भान को ना बंद कर दू मैंने सारे जगह से खोल के रखा है और ऐसे में सारे के सारे सुवर भग जाएंगे और इस बार थोड़ा खाने को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम क्या किया था ना मैं खाना देखा नहीं और इस बार थोड़ा देख देख के करना पड़ेगा काम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे कुछ मीट विट तो नहीं पड़े नहीं पड़े ना चलो एक एक करके लेकर आता है पहले तो ये दो को ले आते अरे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ पहले इनको निकालो ना पहले इसको यहाँ अरे इसको यही रख देते ना एक मिनट यहाँ पे सारे गेट बंद नहीं बंद है ना वही तो दिक्कत है यहाँ पे आधी चीज तो बंद है नहीं है चलो आ जाओ भाई वैसे इतना टाइम हो चुका है तुम क्या चलो जाओ खाना वाना खाओ और इसको भी बंद कर देते अब एक मेल ले आते हैं एक मेल और दो फीमेल ये बहुत सही कॉम्बिनेशन है अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है सिमुलेशन के लिए तो भाई मैं एक चीज बोलूँगा एक मेल एक फीमेल स्टार्टिंग पे ले आओ। एंड उसके बाद अगर लगे तो एक फीमेल और ऐड कर दो मेल की जरूरत नहीं है फिर तो उसके अंदर मेल फीमेल होते रहेंगे उसका टेंशन है नहीं है वो सबसे सही है तरीका है इनिशियल में बस आप एक काम करो एक मेल और एक फीमेल ले आओ और अगर लगता है तो एक मेल और दो फीमेल ले आओ बस खत्म इसको पकड़ते हैं एक फीमेल और मेरे को इस वाले बांध में तो एक काम करते हैं इसको यहाँ छोड़ देते एक तो ये बाहन भी ना क्या बताओ आज बाजू ना हो कोई नहीं है सब दूर है आज आजा भाई दो फीमेल एक मेल हो गया अब चलते वाले बाहन में आप छोड़ते फटाफट से सब क्योंकि वाला बाहन भी तो अपने को फिल करना ही है भाई इनको तो अर्निंग के लिए मेरे को जरूरत है यार

मीट बॉस और करने हैं और वैसे मेरे को लग रहा है अगर ये बेचूंगा तो लगभग तीन लाख तो मैं कर ही सकता हूँ इजीली मेरे को ऐसा लगता है इजीली हो जाएगा अरे कहा जा रहा है मेरे भाई तीन लाख का तो जो टारगेट है वो आज ही अचीव हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आज मेरी कंप्लीट हो जाएंगी जिसमें से तीन लाख डॉलर एक है एक है वन थाउजेंड ये सारे के सारे आज कम्पलीट हो जाएंगे लेट सी कितना अच्छा प्राइस मिलता है पाइन भी भैया हो जाएगा तो भाई चैलेंज के हिसाब से देखा जाए तो यस बहुत सारी चीजें मेरी कंप्लीट होती जा रही है मेरे को सिटी स्काईलैंड भी खेलना है तो लेट्स सी देखते कब उसको मैं कर पाता हूँ क्योंकि अभी टाइम पता नहीं समझ नहीं आ रहा रैंच रेंच में भी इतना टाइम निकल गया मेरा एक मिनट उधर तेरा दोस्त उधर से आ रहा है तो एक काम करती इधर से चलता आजा चलो इसको बंद करो इसको बंद करो अब इन रहन तो हो गया अपना तो पिक्स जितने लाने चाहिए थे मैंने ला दिए खाना पानी बराबर है इनका टेंशन नहीं मेरे को कुछ नहीं करना लोकेशन चेंज करते है पर एक काम करते हैं ट्रॉल इसको पटक देते हैं और सबसे पहले जाते हैं अपन जाके जो अपने मीट बॉल है ना उसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं मेरे पास शायद ट्रॉले खाली पड़ा तो है लेट मी चेक अरे भाई हड़िया अरे ये रखा तो है एक काम करते ना इसको ले चलते हैं आईनेपल एक काम करते तोड़ लेता हूँ मैं तोड़ ही लेता हूँ ये पेड़ है ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है अगर नहीं तोड़ो ना टाइम पे ना पूरे के पूरे खराब हो रहे तो ये बहुत दिक्कत मार रहा है तो इस बेटर की अपन सोच रहे कि इसको करते हुए चलें अब करना ही पड़ेगा भाई मल्टीपल चीज करना ही पड़ेगा और जो चिकन से रिलेटेड था जो टारगेट भाई वो बस हो चुका है समझ लो वन थाउजेंड चिकन था कि क्या था यार मैं भूल गया या चिकन से टेन थाउजेंड डॉलर कुछ कमाना था ऐसा कुछ टारगेट था तो वो देख लेता तो हूँ क्या टारगेट है और ये आपके स्क्रीन पे शार्टऑट उन लोग के लिए जिन लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किया थैंक यू सो मच भाई आप लोग के कमेंट इतने प्यारे लगते हैं ना क्या बोलू मैं और ऐसे ही कमेंट करते रहो यार आपको भी शार्ट आउट दूंगा मैं और शार्टआउट देने मजा आता है मतलब यार मतलब लोग मेरे को देखते हैं और उसके बाद उस पर तो हुआ यार एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रहा हूँ अच्छा चलो भाई फटाफट से अभी पाइन निकाल लेते हैं भाई पाइनएपल की खेती दबाके हो रही है पता नहीं यार एक चीज पता है ये वाला पाइनएपल नहीं निकल रहा मेरे से पता नहीं ग्लिच है कि क्या है भगवान जाने बट दबा के दबा के पाइनएपल हो रहा है वैसे पेड़ भी दबा के खराब हो रहे कोई दिक्कत नहीं अरे इसके बीच लाने हैं पाइनएपल के ये भी खत्म हो गया वो तो, तो बात की बात है अभी तो फिलहाल तो एक काम करते है ये सर का सर उठ गया ना पाइनएपल नहीं बचेना चलो ठीक है पाइनएपल जितने हो गए हो गए सारे के सारे मीट बॉल्स को एक में रख लेते हैं देखते भाई कितना कर रहा है मेरे को लगता है एक हजार दस है शायद मेरे को उतना हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन जितना कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से उस हिसाब से उतना होना चाहिए ओहो ओहो हो कहा जा रहा भाई कहा जा रहा वेट वैसे गाड़ी एक्चुअल में क्या ना जाती नहीं अंदर यार चले जाती ना तो पता है बहुत सही काम हो जाता है लेकिन ठीक है एनी वेज बाद में सोच रहा हूँ ना मैं ग्याला जो फैक्ट्री है ना उसको थोड़ा सा अपडेट करने का सोच रहा हूँ सो so, पहले काम करते हैं सारे डब्बे बाहर निकाल लो भाई जल्दी जल्दी अभी आएगा कैसे हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे हो तरीका तो एक ही है इसमें भाई करने का इनको जमाते जमाते भाई टाइम निकल जाएगा बहुत मुर्गियां भी बहुत सारी हो रही है और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना भाई दोस्तों एक बार मैं बताता हूँ आपको ये जो मुर्गी का मैंने जो बनाया ना बहन मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा लग्जरी चार यहाँ पे बनाने का एक दो तीन और यहाँ पे चार बनाने का या तो आगे पीछे बनाने का एंड चार में सिर्फ मुर्गी रखने का कोई उसमें आजू को बाजू कोई बाउंड्री नहीं रखूंगा उसके अंदर ही जो रहेंगे रहेंगे तो इससे क्या मेंटेन भी रहेंगे और अंडे भी मिलेंगे अभी क्या हो रहा है ना उसमें मैंने छोड़ देना तो अंडे उतने खास नहीं हो रहे और सब बाहर जमीन पे हो रहे हो उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा मेरे को और उसको है ना ढूंढने में अलग दिमाग खराब होता तो मैंने सोचा भाई ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि अपने को कम टाइम में अच्छा चीजें मिल जाए तो उसमें मैं वही करूंगा कि भाई लग्जरी वाला जो चिकन कुक है वो तो ज्यादा हेल्प करेगा पहली चीज तो चिकन को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा दूसरा अंडे अच्छे मिलेंगे अच्छे खासे मिल जाएंगे और चिकन की जो तादाद रहेगी वो लगभग फोर्टी के ऊपर नहीं जाएगा पर चिकन कुक जो मैं बनाऊंगा उसके हिसाब से तो देखा जाए तो यस वो भी सही है चलो इनको भी रख देते हैं बहुत सारे डब्बे भाई बहुत सारे भाई कितने हो गए मैं पता है ऐसा रखूंगा उसके तो कैलकुलेट भी करेंगे अपन एक काम करेंगे कैलकुलेट भी करेंगे 83, 84 होंगे तो 110 कुछ होता है एक हजार दस कुछ होता है तो लेट्स सी 84 तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने पहले ही कर लिया था कल तो मेरा 600 समथिंग कुछ होता बट अभी बहुत अच्छा हो चुका है भाई लेकिन यार ये तो पंगा है यार गाड़ी अंदर जाएगी नहीं जाएगी कैसे करेंगे भाई मजाक से हटके भाई ये तो अलग ही है भाई माँ कसम भाई दिमाग खराब हो जाएगा इसमें चलो कोई नहीं करते हैं इसको तो करना पड़ेगा नहीं तो दिन रात सब बर्बाद हो जाएंगे इतने मेहनत किए दो दिन से क्या एक लाख डॉलर बस इनसे मिल जाए मजा आ जाएगा भाई लगभग एक लाख डॉलर और मेरे पास जो कद्दू है ना उसको भी लगे आद भेज दूंगा भाई कद्दू कद्दू तो नहीं रख रहा मैं इसके लिए मैं दूसरा जो ट्रोला है ना वो ले जाऊंगा क्योंकि उसमें स्टैक भी कर सकते हैं ये जो गाड़ी है ना ट्रोला बोल रहा जो दूसरा जो एस सी उसको ले जाएंगे या ले एस में सिर्फ आप ऊपर रख सकते हो उसमें बकायदा पीछे भी जगह है एंड आप ऊपर भी रख सकते हो तो उसमें ज्यादा स्टैक कर सकते हो चलो मैं इसको फटाफट से अरेंज कर लेता हूँ गुड मॉर्निंग हो चुका है और भैया कल बहुत रात हो गई है सारे सामग्री को फिट करने में उसके बाद भी एक छूट गया कोई नहीं ये टोटल है एटी फोर डब्बे और इनको बेचने जाना है उससे पहले भाई मैं बेचने से पहले पहले ही जाके मैं गड़बड़ नहीं करूंगा सबसे पहले चलते हैं जाके देखते हैं प्राइजिंग प्राइजिंग एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ये हमको मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है कि भैया जब भी कोई चीज बेचने जाओ तो प्राइजिंग देखो आपने जो काम किया है क्या उसका प्रॉपर आपको मुनाफा मिल रहा है तो इसको ज़रूर चेक करना चाहिए तो काम करते हैं सबसे पहले चलते हैं अपन इस छोटी बक्की लेके जाते हैं अपने बर्गर किंग में एंड वहां पे जाके चेक करते हैं कि भाई सब पैसे कितना देना चाह रहे हैं पैसे मेरे हिसाब से शायद अभी नहीं मिलेगा बट मिल गया ना मजाक नहीं करो भाई ऐसा मजा आएगा बट नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं हम बेच तो देंगे भाई हजार को बेचने जाऊंगा अगर दस टका भी मिलता है तो दस, 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 दस अरे दस टका नहीं मिलेगा यार ज्यादा मिलेगा ये फालतू तो बात नहीं 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 नहीं, 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 नहीं बहुत मेहनत किया भैया बहुत मेहनत किया एक मिनट अबे एक तो इतने सारे यहाँ पे मरे पड़े ना एक मिनट मीट बॉल्स ओ बी है चीज वाइट मॉल्ड है और प्राइस भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा कुछ अच्छा खासा नहीं मिल रहा एक तो काम करते मैं गाड़ी ला इधर पटक देता हूँ जैसी प्राइस अच्छा मिलेगा अपन उसको बेच देंगे मेरे को पाइनएपल भी गिनने की पाइनएपल क्या है, स्टेटस है उनके कितने हो चुके कि हज़ार हुए कि नहीं हुए क्योंकि उनका तो भाई रेट फिक्स है तो पाइनएपल का तो डायरेक्ट हज़ार अपन बेच सकते हैं जैसे तो तुम बोलो अगर तुम बोलोगे कि क्या बेचना है तो भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं बट भाई मेरे पूरे जो रेंच है उसमें जितने भी मीट से सब के सब खत्म हो चुके कुछ भी नहीं बचा लिटरली कुछ भी नहीं बचा अब पाइनएपल का एक बार मेरे को है ना कैलकुलेशन करना है कि क्या कहानी है एक मिनट में कद्दू वद्दू तो रख लू अरे भाई साहब ये तो मैं भूल ही गया रुक जाओ गाड़ी को पूरा अरेंज करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे लगा देते इस गाड़ी को और एक काम करते याले गाड़ी को लेकर आते हैं और अपन एक काम करता हूँ मैं रुक जाऊ इसको है ना डिटेच कर देता हूँ इसको हटा के मैं दूसरा वाला जो एस है ना उसको लगा देता हूँ इसको अपन साइड कर देते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है ये एक्चुअल में कैरिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है और उतना मजा नहीं आया इस गाड़ी में ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी है बट जो परफॉर्मेंस इस वाले में है हालांकि ये गाड़ी ठीक है ओके अरे छोटू साइड हो जा रहे बेटा अब फटाफट से चलते हैं जो कद्दू रखे कद्दू ले लेता है भाई कद्दू का कोई मतलब नहीं उसको तो भाई सबसे पहले साइड करो चलो कद्दू को भी जमा ही लेते हैं एट्टी फोर ये हो गए और कद्दू रख के रखते कितना क्या प्राइस मिलता है वो भी देखने वाली बात है भाई ये अरेंज होगा नहीं होगा स्टैक हो जाए बस तो हाँ होता है दो के ऊपर होगा क्या तीन हो जा अबे तीन और बहुत सही भाई ये सही हो गया वेट वेट, वेट। इसको इसको फटाफट से अरेंज करता हूँ भाई इनको तो बेचूंगा सबसे पहले इनको तो बेचूंगा अरे यार ये बहुत दिक्कत है स्टैक करने में रुक जाओ इसको तो अलग ही फंडे में करना अरे नहीं हो रहा, है। हो रहा है हो रहा है कसम से भाई ये क्या कद्दू है वे इतनी जगह घेर रहे हो तो जाएगा एक आध बचेगा नहीं बचेगा सब आ जाएंगे सब आ जाएंगे सबको रख लेंगे अपून पाइन भी गिनना है कितने हैं एटी थ्री हो गए क्या भाई मेरे पास है ना कूलर बहुत है इधर रख दो ना सबसे अच्छी जगह है रख दो गिनना चालू करता हूँ अब मेरे को ऐसा अरेंज 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 करना पड़ेगा जैसे मैंने उधर किया एक सारे कर देता दो तो चार चार का स्लॉट बना दो ज्यादा या पांच तो पांच पाँच पाँच चार चार के बना देता हूँ वैसे तो हजार नहीं यार हजार नहीं होंगे इतना जल्दी भी नहीं मतलब हम लोग ने काम अच्छा किया आई नो बट ठीक है तो टाइम लगता है और हाँ यार खेती वाले एरिया में मेरे को है ना खेती वाले एरिया में मेरे को सनफ्लावर लगाना है भाई वो भी काम बचा हुआ है अब सनफ्लावर मेरे को पता नहीं कितना प्राइस मिलता है क्या सनफ्लावर बेच के देखिए क्या होता है अरे यार इसको कैसे करूं पता नहीं भगवान जाने छोड़ो ये काम करते इसको एक लाइन से जमा जमा देता सारे सारे के सारे मैंने दिया, बट कितना एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितने हो चुके हैं तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 हो चुका है भाई वी हैव सेवेंटी वन पाइनएपल बॉक्सेस बट आज के दिन मैं मीट बॉक्स तो नहीं बेच सकता एक काम करते खेती पे जाके थोड़ा खेत वाला काम कर लेते फट से जाके मैं वहाँ पे सनफ्लावर लगा देता एंड उसके तुरंत बाद जैसे आज का दिन खत्म होता है और सीधे अपन चलेंगे अपने मार्केट और जितना भी प्राइस होगा उसमें हम बेच देंगे वैसे सनफ्लावर की खेती करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलता है जितना मैंने अभी थोड़ा एनालाइज किया उसके हिसाब से बट सबसे पहले चलते अपने खेत पे यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं क्योंकि अभी काम यहाँ पे, पे पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा तो उसको भी फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि भैया यहाँ पे बीज बो के रख दूंगा भले ही उसका सनफ्लावर उगते रहे उगते रहे वो अपने टेंशन नहीं वो तो बाद में अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं बट एटलीस्ट लगा के तो रखे अच्छा ट्रैक्टर में ऑलरेडी सनफ्लावर के जो सीड्स है ना वो डले हुए हैं तो टेंशन नहीं बट 101 सौ एक, एक के जी है उससे ज़्यादा नहीं है तो मेरे को ढाई सौ के जी करना है उसके जाके अपन इकट्ठा बेचेंगे तो एक काम करते हैं ओह ट्रैक्टर से उतर तो गया एक काम करते उसको डिटैच करते और अपने को लगाना है जो अपन बेसिकली फसल के लिए अपन करते पहले जो स्टेप वो करते हैं अब मैं सिर्फ एक ही खेत में करूँगा यार मल्टीपल खेत में मज़ा नहीं है पता है वो मेरे को समझ में आ गया इससे अच्छा है एक ही खेत में करो ज़्यादा अच्छा है ए आराम से आराम एक तो ये है ना इसका ये मैं मैनेज नहीं कर पाता एक तो हैंडलिंग बहुत ही बेवकूफ टाइप है चलो कोई नहीं जो भी हो अपन को सिटी स्काईलाइन भी करना है यार उसका भी काम बचा है बहुत काम बचा है भाई दोस्तों मजाक नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है भाई काम बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है और इनको एडिट करने में टाइम लगता है भाई बेसिकली जो फुटेजेस आप देख रहे हो ना अभी ये अब टू के में आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना टाइम लगता है यार एडिट करने में तो वही कहानी है अभी बट एनीस गाइज आपको मजा आना चाहिए मजा आना चाहिए तो right क्यों चल रहा है ये एकदम सस्ते नशे करके बैठा है तो वैसे चल रहा है झुकझ वैसा टाइप का भाई ये क्या मजाक है भाई कभी इतना तेज चलता है कभी इतना स्लो चल रहा है चलो सीट का तो पूरा पूरा भरा हुआ है तो टेंशन नहीं है काम करते लग जा मेरे भाई चलो थोड़ा धीरे 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 भाई ये एकदम तो ही तूफान क्यों बन जाता है पता नहीं भाई क्या पगला गया एकदम और लगाओ चलो लेट्स को सनफ्लावर लगाना स्टार्ट कर दिया अपन ने वैसे सनफ्लावर ही करें भाई धीरे चलना क्या कीड़े वीड़े काटता है क्या इसको भाई ये समझ नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं ये कुछ कुछ तो है भाई इसमें चलो अब देखते अब चले अब, चले। अब तेज चलेगा देखना पहले नहीं चल रहा था भाई कुछ भी कुछ भी कुछ भी गेम में कुछ भी मतलब साइंस फिजिक्स सब सब फील कर दिया इस गेम ने कुछ भी चल रहा है कभी इतना तेज चलेगा चलो भाई अपन एक काम करते ये वाला पार्ट भी हो गया धीरे धीरे मोड़ ये जैसी हो जाएगा वैसी मेरी शाम हो जाएगी उसके बाद हम सोने चले जाएंगे और अगले दिन हम मीड बोल बेचने जाएंगे समझ लो मेरी पूरी मेहनत जो लगी है उसमें वो सारा का सारा मैं बेचने जाऊंगा और मेरे को दाम अच्छा चाहिए एनी चलो कोई नहीं इतना अच्छा चल रहा है तो चल रहे तो इसका खेत वाला बस सिस्टम जरा सा ही बचा बस जरा सा जरा सा और इधर भी चरा से ही बचा है और इसको कंप्लीट करते ही हो जाएगा अपना पूरा का पूरा सनफ्लावर लग गया भाई ये आखिरी वाला पार्ट चलो अब देखिए कहाँ पूरा हो गया क्या अब उगने भी स्टार्ट हो गए अभी मैंने तो जस्ट अभी लगाया ही है कोई नहीं ट्रैक्टर छोड़ देते अपनी ज़रूरत नहीं ट्रैक्टर की तुम है ना एक काम करो इसको डिटैच कर दो और इसको यहाँ पे रख देते अपन इसके साथ क्योंकि अब सिर्फ हार्वेस्टर का काम है तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते अब इतना हो चुका है भाई सेवनटीन फिफ्टी सिक्स हो चुका है बहुत हो गया भाई फिर भी बहुत ज़्यादा पाइनएपल के बीज लाने हैं यार वो भी एक काम बचा हुआ है चलो कोई नहीं वो भी कर देंगे एक काम करते मैं सोच रहा हूँ ट्रॉला लेके है ना वहाँ पहुँच जाता हूँ सबसे पहले तो ट्रॉला ले कर वहाँ जाते हैं जहाँ पर मेरे को एक्चुअल में बेचना है या नहीं कि हमारे बर्गर किंग में जाके वहाँ के गाड़ी खड़ी कर देता हूँ सबसे मेन तो, तो वहाँ जाने के बाद अपन देखते कि क्या कर सकते हैं अभी तो देखो प्राइस तो अच्छा मिल नहीं रहा है कोई मतलब नहीं है अभी बेच के इतनी मेहनत की है भाई मतलब सोच रहे दिन लग गए मेरे को सिर्फ हजार मीट बॉल बनाने में और टाइम टेकिंग एक्टिविटी है वो भाई मेरे को लगा कि नॉर्मल हो जाएगा बट नहीं इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी बट एनी मजा आ रहा है अपन एक काम करते हैं इसको लेके चलते हैं हजार मीट बॉल्स कितने होते हैं वो मेरे को एक बार एक जगह देखना है मेरे को एक जगह मतलब मैंने अभी तक तो सारे के सारे डब्बे में रखा है बट मेरे को देखना है कि एक जगह पे कितना दिखता है भाई कितना ज्यादा होगा वो मेरे को देखना है चलो एक काम करते गाड़ी यहाँ लगा देते ए, ओके पहले तो मैं कद्दू भेज दूँ कद्दू का देखो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला तो एक काम करते अरे साहब मैं तो भूल ही गया अरे गाड़ी के अंदर जाना नहीं तो टास्क है कद्दू जितना बिके बिक जान दो क्या हेल्प करता है कद्दू मेरा है ना बहुत अच्छा हेल्प करता है ये क्या तीन कद्दू और रह गए चलो तीन कद्दू का एक मिनट है ना मैं एक काम करता हूँ मैं मीट बॉल्स का अभी का प्राइस देख लेता हूँ क्या दे रहा है अरे फिर तीन पम्पकिन यार पंपिन यारी तेजी क्या चल रहा है एक पम्पकिन और रखा है उसको भी मैं पता है यहां पहले भेज देता हूँ चलो भेज देता हूँ इसको एक पम्पकिन और है इसको भी भेज देते हैं चलो दस डॉलर इसके भी चलो ये भी खत्म अब एक बार है ना मैं थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा के देखता अरे सर थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा के देखते कि अपने को मीट बॉल के कितने प्राइस मिलते हैं बस अरे चले जा मेरे भाई चलो लैग के बाद देखते ये मिलता है चालीस डॉलर का अगर टू एक्स मिल जाए थर्टी फाइव थाउजेंड एक अच्छा ये टू अच्छा ये सेवन ट्वेंटी फोर आइटम का इतना मिल रहा है बट भाई प्राइस बहुत कम मिल रहा है यार भाई जब तक इसका प्राइस टू एक्स या वन पॉइंट सेवन नहीं मिलता मैं तब तक तो नहीं बेचूंगा बट एक चीज़ मैं ज़रूर करूंगा इसके बाद वो है वो समझ गए होंगे आप लोग क्या करना चाह रहा हूँ मैं मैं इतना लैग इतना लैग और यहाँ पे लैग होता है भाई मैंने बहुत लोग के इसमें देखा था यहाँ पे लैग होता है अरेट गैस गुड मॉर्निंग हो चुकी है मैंने वहाँ पे ट्रॉलर रख के मैं रात में आ गया रात बहुत हो गई थी तो भाई सोने आ गया सबसे पहले तो अभी मैं खाना पानी नहीं देख रहा हूँ जो होगा देखा जाएगा एक काम करते पहले चलते प्राइस देख कर आते हैं प्राइज देखना बहुत ज़रूरी है भाई प्राइस नहीं मिला तो भाई बेचने को मतलब नहीं तो एक काम करते गाड़ी लेके चलते है वैसे मैंने थोड़े से मीट बॉल्स निकाले थे बट उतना ज़्यादा मैं निकाल नहीं पाया लेकिन ठीक है जितने मेरे को लग रहा था कि मैं निकालना ईजी होगा बट उतना ईजी नहीं है बहुत टाइम लगता है तो मैंने सोचा चलो छोड़ो उसको नहीं निकालते ट्रोला में रहन देते उसको श्री बेच देंगे एक काम करते अभी प्राइस देख ले तो मेरे कितना है यस मीट बॉल्स मिल रहे भाई मीट बॉल के प्राइस मिल रहे हैं तो एक काम करते ये काम करते एक काम करते हैं, है, ये पूरे के पूरे डब्बे एक जगह इकट्ठे कर लेता हूँ रुक ये इकट्ठे करो सब कैसा इकट्ठे करो सब इकट्ठे करो सब देखते कितना प्राइस मिलता है मेरे को अच्छा खासा प्राइस मिलना चाहिए भाई नहीं तो फिर मतलब नहीं है बट फिर भी भाई मजा ही आ जाएगा अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा सो so, दोस्तों आज हम अमीर होने वाले आज हम अमीर होने वाले हैं, इसको है ना फटाफट से एक जगह लगा देता हूँ पहले तो उतने बेचता हूँ कैलकुलेट क्या करना भाई वो इकट्ठे पर बेचेंगे हजार मतलब हजार लोगों को दिखना चाहिए हजार तो मैं वैसे बेचूंगा रुक जाऊ एनी थिंग टू एनीथिंग थिंग टू टू एनी भाई सब बाहर निकल गए मेरे भाई इतने सारे मीट बॉल भाई कहा बिखर रहे तुम लोग भाई बिखरो मत बिखरो मत बिखरो मत बिखरो मत बिखरो मत लेट्स को अब काम करते इतने तो बेचता हूँ मैं तो ये मीट बॉल है अपने पास टोटल 84 ठीक है मैं कैलकुलेट करते चलूंगा फोन मेरे साइड में ही है कैलकुलेट करते हैं भाई सब कुछ अपन क्या हाथों हाथ काम करेंगे अपन ये लिख लेते एटी फोर ठीक है इसको अपनी सेल कर देते पांच हजार डॉलर पांच हजार छे सौ डॉलर याद रखना ये पूरे के पूरे सेल हो गए पांच हजार छे सौ डॉलर हो चुके अब फटाफट से अपन अपना है ना जो है उसको लेकर आते हैं इसको लगाते हैं भाई माला माल का समय हो चुका है माला माल ये हो गया अपन यहाँ पे लगा देते है सामने बहुत ज्यादा मीट बॉल्स है अरे भाई चलना अरे चल तो क्या कर रहा है मीट बॉल, बीफ ठीक है एट तो भी अच्छा रेट मिल रहा है सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये आ चुका है 880 आइटम प्लस 880 अभी पीछे का भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो 964 अभी तक मीट बॉल्स अपन बेच चुके 61,000 ये ये प्लस 5,600 चलो सब इसका करते हैं हो चुका है छियासठ हजार छह सौ इक्कीस डॉलर अपन कर चुके थे इसको भी सेल कर देते हैं अपन कैलकुलेट कर लेना यार तुम लोग यार मैं तो भी ठीक है जितना है मैं बता देता हूँ अभी शायद पीछे का नहीं बिका है तो वो भी देख लेते एक बार बिके नहीं हाँ पीछे का नहीं बिके है काम करते इसको भी आगे कर लेते हैं लेकिन भाई अच्छा खासा अमाउंट अपने को मिल जाएगा यस अमाउंट तो कैलकुलेट कर लू मैं पहले एक काम करता हूँ हजार तो है हजार से ज्यादा ही मैं बेच रहा हूँ कितना अरे जाना भाई ये हो चुका अपना लगभग सिक्सटी नाइन एट 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 सत्तर हजार डॉलर अपन ने कमा लिया इससे तो मैंने हजार मीट बॉल से सत्तर हजार रुपए कमाए और देखते हैं मीट बॉल्स कुछ बचे तो नहीं है फाइनली दोस्तों हम लोगों ने हजार मीट बॉल का जो चैलेंज कंप्लीट कर लिया है इससे हमने कमाए हैं सेवेंटी थाउजेंड और इसके बाद है पाइन एपल चैलेंज जो कि वो भी हम नेक्स्ट के नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में ही कंप्लीट कर देंगे तो यस वी डिड इट फाइनली सो गाइस आज की वीडियो बस इतने ज्यादा वीडियो चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते अगली वीडियो में जय हिंद